यदि कॉलेज आपको बुलाता है ऑफलाइन मोड से प्रैक्टिकल के लिए, लेक्चर्स के लिए, तो आपको बैक टू बालूश एजुकेयर कॉलेज ओपनिंग के बारे में ऑफिशियल जीआर आया है और 1 फरवरी से महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, हर एक कॉलेजेस के ऊपर छोड़ दिया है कि आपका कॉलेजेस आपका एरिया में कब स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपकी कॉलेज की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफिशियल जीआर आना चाहिए। लेकिन आजकल आपको भी पता है कि विंटर सेमेस्टर अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ है, तो अभी उसके बारे में टाइम टेबल बनाना, उसके बारे में ये फॉर्म्स, लेट फॉर्म सबमिशन, इसमें यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। और अभी तक स्ट्राइक तो पूरी तरह नहीं खत्म हुआ है, ट्रांसपोर्ट का, हॉस्टल्स तो बिल्कुल नहीं शुरू है। तो इसके लिए यदि कॉलेजेस भी स्टार्ट करते हैं तो ये भी फैसिलिटी देना यूनिवर्सिटीज को मैंडेटरी होता है। और जहां पे जैसे सिटी एरियाज में बात करें या उधर की कोविड केसेस, ओमिक्रॉन केसेस की बात करें, तो अभी तो इतना बढ़ नहीं रहे हैं, तो डिपेंड रहेगा यदि कॉलेज आपको बुलाता है ऑफलाइन मोड से प्रैक्टिकल के लिए, लेक्चर्स के लिए, तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम 50% अटेंडेंस ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। आपने होप सो जीआर में भी देखा होगा, जो स्टूडेंट ने वैक्सीन लिया है 2 डोज, उनको सभी को कॉलेज में आना कंपल्सरी है। और दोस्तों आपको भी पता है आपका कॉलेज कैसा है, एक बार ऑफलाइन बुलाता है तो वो ये ऑनलाइन की मींस ऑनलाइन लेक्चर्स, भले ही वो जीआर में बताए कि ऑनलाइन लेक्चर्स भी होने चाहिए जिनका वैक्सीन नहीं हुआ है, लेकिन वो ऑनलाइन लेक्चर साथ साथ ऑफलाइन लेक्चर ये दोनों नहीं स्टार्ट करेंगे, वो सबको ही ऑफलाइन क्लासेस में बुलाएंगे और ज्यादातर ज्यादा बोलेंगे कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी ले लो और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ जाओ। और एक जैसे शिवाजी यूनिवर्सिटी है जिनका 133 एफिलेटेड कॉलेजेस है, वहां पे तो कॉलेजेस अभी 1 फरवरी से नहीं स्टार्ट हो रहे, उनके कॉलेजेस 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे, क्योंकि इन्होंने यही रीजन बताया गया है कि जो फर्स्ट टर्म था उनका खत्म हो रहा है 24 जनवरी को, और उसके बाद स्टूडेंट को छुट्टी दी है, उनका सेकंड टर्म 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जो स्टूडेंट है, तो जिनका अभी तक विंटर सेमेस्टर बाकी है, वो तो डेफिनेटली दोस्तों सबका ऑनलाइन मोड से हो रहा है, और जिनका भी समर सेमेस्टर बाकी है उनको होपफुली उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में 1 फरवरी के बाद बुलाने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन हाँ, कॉलेजेस यदि आपको ऑफलाइन स्टार्ट होते तो आपको ऑफलाइन जाना, वैक्सीन लिया है तो मस्ट है। सो दैट्स ऑल दोस्तों अबाउट कॉलेजेस ओपनिंग के बारे में। इज देयर एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस? डोंट फॉरगेट टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।